ब्रेक के उस पार मेरे साथ जुड़ेंगे हेमंत और विश्वजीत, हमारे आज के फाइनेंशियल प्लानर्स दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे। इस बीच अगर आप भी हमारे साथ यूट्यूब पर लाइव जुड़े हैं तो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डालिए और आपके सवालों को हम शो में शामिल करेंगे लाइव। हमारे दोनों ही एक्सपर्ट से जो है आपको सलाह दिलवाएंगे। मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद। और शो का वो पड़ाव जहां पर हम दर्शकों के सवालों को शो में शामिल करते हैं, भले ही वो व्हाट्सएप के जरिए आपने भेजे हो या आपने भेजे हो यूट्यूब के जरिए। और हेमंत उसकी सीईओ वाइस इन्वेस्ट, विश्वजीत पराशर म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं जो आज आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग करवाएंगे। और चलिए झटपट सवालों का सिलसिला भी शुरू कर लेते हैं। और हेमंत जी, मेरे ख्याल से ये सवाल आपके पास होगा मिस्टर परमार का, और ये कह रहे हैं कि इन्हें SIP करनी है और इसके लिए आप इन्हें कोई फंड सुझाएं। ये 15,000 की SIP कर रहे हैं हर महीना और ये जो है 5,000 रुपए तक इसको और शायद बढ़ा भी सकते हैं। दो अच्छे फंड आप इनको बताएं, ये इनका कहना है। इनके पोर्टफोलियो में जो है फिलहाल HDFC डिफेंस फंड है, HDFC का ही मिड कैप अपॉर्चुनिटी है, SBI का स्मॉल कैप है, और इनमें ये 5,000 की जो है SIP कर रहे हैं और 5,000 से और अपने निवेश को बढ़ाना चाहते हैं, और इसी के लिए दो और अच्छे फंड ये फंड्स के अलावा बताएं। तो HDFC डिफेंस बहुत ही सेक्टर स्पेसिफिक फंड है, मेरे ख्याल से इन्होंने अभी जब लॉन्च हुआ तभी इसको लिया होगा, निवेश किया होगा, लेकिन अब ये बताएं मुझे स्मॉल कैप, मिड कैप और एक सेक्टर फंड, बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव पोर्टफोलियो नहीं है इनका? यस कविता, तीन SIP हैं जिनके पास 15,000 की, 5,000 की, तीनों फंड में। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, एक डिफेंस फंड है, एक थीमेटिक फंड है, एक मिड कैप फंड और एक स्मॉल कैप फंड है। तो अगर हम इस पोर्टफोलियो को एनालाइज करें तो हम देखेंगे कि इसमें लार्ज कैप बिल्कुल भी नहीं है। ये भी इन फंड में थोड़ी और ऑब्वियसली एक्सपोजर रहेगी लार्ज कैप की, बट एज ए सेगमेंट एज सच वो नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इनको जो अभी एडिशनल इन्वेस्टमेंट करनी है 5,000 की, वो एक लार्ज कैप फंड में कर दें, क्योंकि बाकी तीनों में उन्होंने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं। जरूरी नहीं है कि उसको आप दो फंड में डिवाइड करें। एक अच्छा फंड, एक्टिवली मैनेज फंड, जिसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है, वो है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, वो एक कंसिडर कर सकते हैं। तो आई थिंक पोर्टफोलियो में जो थोड़ा सा इम्बैलेंस है डेफिनेटली समय पे, वो वहां पे पूरा होगा। अगर हम इनकी बात करें फंड की, तो HDFC मिड कैप फंड है, इनके पास काफी पुराना फंड है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस इस फंड की रही है। उसके बाद उनके पास एक SBI स्मॉल कैप फंड, तो जैसा मैंने कहा एक लार्ज कैप फंड होगा, एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोवाइडेड क्योंकि उन्होंने टाइम होराइजन नहीं रखा, तो मैं मान के चल रहा हूँ क्योंकि इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इनका समय जो है लंबा होगा, क्योंकि स्मॉल कैप जैसे सेगमेंट के लिए आपको लंबा समय चाहिए। पर अच्छी बात यह क्योंकि सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट कर रहे हो तो वॉलिटिलिटी जो है समहाउ वो आपके फेवर में काम करती है बोले लॉन्ग पीरियड। लेकिन स्मॉल कैप में मुझे लगता है इससे बेहतर फंड है जो इनके पास है, जैसे क्वांट स्मॉल कैप फंड हो गया या फिर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड हो गया, तो स्मॉल कैप में बने रहे, लेकिन मुझे लगता है इससे बेटर फंड है वहां पे देखें। HDFC डिफेंस फंड जो लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था, एज ए थीम डिफेंस ने काफी अच्छा किया है, मुझे लगता है जिस तरह का गवर्नमेंट का जो फोकस है और इस थीम में मुझे लगता है अभी भी काफी पोटेंशियल आगे जाके, बट थीमेटिक फंड में प्रॉब्लम होता है सही समय पे एंट्री, सही समय पे एग्जिट। तो अगर ये इसमें बने रहना चाहते हैं तो उनको एग्जिट का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, उसके ऊपर उसकी मॉनिटरिंग जो है एक नॉर्मल डाइवर्सिफाइड फंड से अलग होगी। अच्छा फंड है, पोर्टफोलियो में जगह हो सकती है, बट मेरा हमेशा ये मानना है कि जब तक आप बड़े इन्वेस्टर ना बने, एक्सपीरियंस इन्वेस्टर ना हो, तब तक इसे दूर रहे, बट अगर वो कंटिन्यू करना चाहे तो एग्जिट पे थोड़ा ध्यान रखें। कुछ साल अभी भी मुझे लगता है इसमें पोटेंशियल, तो एक चेंज और एक लार्ज कैप फंड इनको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। एक चीज जो मुझे पूछनी है हेमंत जी, आपने भी एक एग्जिट की सलाह दे दी है इस फंड में से, और आपके साथ बाकी कुछ और एक्सपर्ट्स भी जब आए शो पे तो सभी ने SBI स्मॉल कैप में से निकलने की सलाह दी है। स्टार परफॉर्मर फंड और स्टार फंड मैनेजर और SBI के CIO जो इसको इनकी देखरेख में ये फंड जो है वो आगे बढ़ा है, एकाएक ऐसा क्या हो गया, वो भी उस दौर में जब हम तमाम स्मॉल कैप कैटेगरी को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, तमाम स्मॉल कैप फंड्स में रिटर्न बढ़ता हुआ देख रहे हैं, आप सभी एक जो सुर में है SBI स्मॉल कैप से निकलने की सलाह दे रहे हैं, क्या हुआ? देखिए कविता, क्या होता है अगर आप पिछले साल में देखें तो हमेशा में देखना पड़ेगा किस तरह की मूवमेंट है उस पर्टिकुलर सेगमेंट में, किस तरह की सिलेक्शन है, ये होता है फंड्स के साथ कि आप ऐसे फेज में होते हैं। ऐसा नहीं होता कि फंड खराब होगा, लेकिन एक फेज आता है जब आपकी वो स्ट्रेटजी या जो फिलोसफी है जो
मार्केट में उस समय पे काम नहीं कर रही है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आगे जाके वो अच्छा नहीं करेगा, लेकिन होता क्या, देखिए एज एन इन्वेस्टर आपके पास लिमिटेड पैसा है, और मैं कभी ये भी नहीं कहता हूँ कि बहुत जल्दी से आप अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करें, लेकिन जब आप देखेंगे कंसिस्टेंटली एक डेढ़ साल से अगर फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है तो ऑब्वियसली देन आपको फिर बेटर अपॉर्चुनिटीज को देखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आगे जाके ये फंड अच्छा नहीं कर सकता, वो डेफिनेटली कर सकता है, बट ये जो फंड अच्छे कर रहे हैं जिनकी जो पोर्टफोलियो कंपोजिशन है, लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन है, वो जब अच्छा कर रहा है, जब सेगमेंट में मूवमेंट देखते हैं, तो डेफिनेटली फिर आपको बदलाव करने का सोचना चाहिए। बट ये हर फंड के साथ होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ SBI के साथ होता है, और फंड के साथ भी होता है, बट ऑब्वियसली जैसा मैंने कहा आपके पास लिमिटेड पैसा है, आप देखते हैं कि कहाँ पे आपके पास ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी। लिहाजा निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप कौन स्मॉल कैप जो है वो रेकमेंड किया जा रहा है। हम आगे बढ़ते हैं, अगले दर्शक विश्वजीत जी के लिए फोन लाइन पर हैं चिराग साहब। चिराग नमस्कार। नमस्कार मैडम, क्या हालचाल, कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं मैडम कुरुक्षेत्र से बात कर रहा हूँ। कुरुक्षेत्र से बात कर रहे हैं, अच्छा। पराग पारे का फ्लेक्सी कैप जिसमें 2000 की SIP, क्वांट का एक्टिव जिसमें 1000 की SIP, PGIM का फ्लेक्सी कैप 1000 की SIP, एक्सिस का ब्लू चिप 1000 की SIP, किरणबेको का इमर्जिंग इक्विटीज 1000 की SIP और वाइट ओक कैपिटल फ्लेक्सी कैप इसमें आपकी 1000 की SIP। साहब कब से कर रहे हैं आप इनमें निवेश? मैं 2018 से कर रहे हैं। और राशि बढ़ाई है निवेश की? मैडम पहले मतलब कम थे, 3 फंड थे 2018 में, और बीच में ये अब 2 साल से मैंने 3-4 फंड, वाइट ओक हो गया एक, तो PGIM ग्लोबल, ये दो तीन साल से लिया है। किसने रेकमेंड किए आपने, किसने रेकमेंड किए आपको ये फंड? वैसे ही किया है, तो खुद ही कर दिए इन्वेस्ट, खुद ही कर दी इन्वेस्ट। चलिए, 15 साल में जो 1 करोड़ रुपए आपको चाहिए, ये आपने अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए इकट्ठा करने? मैं घर का प्लान कर रहा हूँ उसके लिए। तो ये पर्याप्त होगा, क्योंकि 15 साल में 1 करोड़ की राशि घटेगी भी, महंगाई भी तो देखनी है ना बढ़ती। हाँ जी, हाँ जी, तो ये पर्याप्त होगा 1 करोड़ का आंकड़ा? हाँ होगा, मेरे एरिया में पर्याप्त होगा। चलिए ठीक है, ओके। विश्वजीत जी बताइए। जी बिल्कुल कविता जी, जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने खुद ही निवेश किया हुआ है, तो इनके पोर्टफोलियो में अगर ध्यान से देखें तो 3 फ्लेक्सी कैप फंड है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में कोई खराबी नहीं है, बहुत अच्छा कैटेगरी है, यहाँ पे फंड मैनेजर के पास फ्रीडम भी होता है कि वो किसी भी मार्केट कैप में, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में निवेश कर सकते हैं, और ज्यादातर देखा गया है कि मैक्सिमम लार्ज कैप में ही इनका पोर्टफोलियो होता है, पर 3 फ्लेक्सी कैप फंड की आवश्यकता नहीं है। तो मेरा सुझाव यह रहेगा कि ये PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड से स्विच करके एक नई कैटेगरी में चले जाएं जिसमें HDFC फोकस 30 फंड है, तो ये अक्रॉस मार्केट कैप इनका पोर्टफोलियो हो जाएगा, जो न्यू कैटेगरी में भी स्टार्ट हो जाएगा। और इसके अलावा इन्होंने एक और ले रखा है वाइट ओक फ्लेक्सी कैप फंड, तो इसमें बने रहें, ये अभी नया फंड है, काफी अच्छी रिटर्न है, तो इसमें स्टे इन्वेस्टेड रहे। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप भी काफी अच्छा है, उसमें भी निवेशित रहे। इसके अलावा एक्सिस ब्लू चिप फंड है जो कि एक लार्ज कैप फंड है, बट काफी समय से काफी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, तो मैं सलाह दूंगा कि इनको निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में स्विच कर लें, जो कि एक अच्छा फंड है, काफी कंसिस्टेंटली रिटर्न्स भी आ रही है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, तो वहां पे स्विच कर सकते हैं। इमर्जिंग फंड भी है इनके पास, उसकी भी परफॉर्मेंस काफी समय से ठीक नहीं चल रही है, तो मैं सुझाव दूंगा कि उसमें भी ये स्विच करके ICICI लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में चले जाए। तो अक्रॉस पोर्टफोलियो में देखेंगे कि तो 3 फ्लेक्सी कैप की जगह 2 फ्लेक्सी कैप है, बट बाकी 2 और नई कैटेगरीज में ये शुरुआत करें ताकि इनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाएगा। और जो ये 1 करोड़ का लक्ष्य रखा है चिराग जी आपने, उसके लिए आपको कम से कम 21,000 की SIP स्टार्ट करनी होगी। अभी आप कर रहे हैं काफी हद तक 10-11 हजार रुपए की, पर थोड़ा सा आपको अपनी SIP का अमाउंट और बढ़ाना होगा ताकि आप अपने लक्ष्य के जल्दी करीब पहुंच पाए। वैसे तो एक और भी रूल है जिसे कहते हैं रूल ऑफ 15, हालांकि वो उसकी उसको सजेशन नहीं दिया जा सकता, उसमें कहा जाता है कि 15,000 की SIP 15% का रिटर्न और 15 साल में 1 करोड़ बन जाता है, बट हम कंजर्वेटिवली चलते हैं, 12% का रिटर्न लेके चलते हैं CAGR, तो उसके हिसाब से आपको 21,000 रुपए की SIP करनी चाहिए जिसके लिए आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच जाए। और ये जो बदलाव बताए हैं इसमें बदलाव करें और स्विच कर लें जो फंड्स को आपको रिकमेंड किया है।
तो क्लियरली आपको जो है एक तो अपनी निवेश राशि को बढ़ाना होगा चिराग, और पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, क्वांट का एक्टिव और वाइटो फ्लेक्सी कैप, इसमें तो आपको रुकने की सलाह दी जा रही है। इसके अलावा जो फंड है HDFC का फोकस, निपॉन इंडिया लार्ज कैप और ICICI का लार्ज और मिड कैप आपको रेकमेंड किया जा रहा है। विश्वजीत जी, जिन फंड में से आप इनको निकलने की सलाह दे रहे हैं उनमें पैसे अभी निकाल लें या आपको लगता है कि फिलहाल SIP रोक दें और जब सारी SIPs के एक साल पूरे हो जाएंगे तब निवेश निकालें? तो कविता जी, आपने ठीक बोला कि अगर एक साल हो जाता है तो आपको एग्जिट लोड नहीं लगता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लगेगा। उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा जो कम होता है, 10% होता है गेन का। तो उसमें लाभ मिलेगा आपको, एक साल के लिए निवेशित रहें, SIP रोक दें और जो न्यू SIPs है वो जो फंड्स आपको रिकमेंड करें उसमें शुरुआत करें। चिराग जी, आप मुझे सुन सकते हैं, कोई सवाल पूछना है विश्वजीत जी को? हाँ मैडम, मैंने वैसे 4000 की LIC का भी वो SIP प्लान होता है, वो भी लिया हुआ है। चिराग जी, एक काम कीजिए ना, ये आप जो LIC की पॉलिसी का सवाल है आप हमें वापस से भेजिएगा WhatsApp करके, ताकि हमारे पास उसकी जानकारी हो और हमारे एक्सपर्ट को हम वो जानकारी बढ़ाए और वो उस पर अध्ययन करके आपको जो है जवाब दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल अपना सवाल हमें भेजने के लिए। आकाश पवार का सवाल हेमंत जी आपके लिए है। पिछले 6 महीने से ये निवेश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में और इनका ये मानना है कि 10 साल में इनको चाहिए 5 करोड़ रुपए, ये इन्होंने अपने लिए लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, और 20,000 रुपए से अपनी ये SIP की शुरुआत कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं ऐसा कह रहे हैं। मौजूदा जो पोर्टफोलियो है उसके फंड्स बता देती हूँ मैं। टाटा का स्मॉल कैप फंड है, SBI का स्मॉल कैप फंड है, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है, क्वांट का मिड कैप फंड है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है और PPF में पैसे डालते हैं ये 2,000 रुपए, और इसी निवेश को अब ये कह रहे हैं कि 20,000 से और बढ़ाएं। तो फंड्स तो काफी उम्दा है, फिर भी आप मेरे ख्याल से कुछ एग्जिट करने की सलाह इनको देना चाहते हैं? यस कविता, पहले बात करते हैं इनके टारगेट की। इन्होंने कहा कि इनका टारगेट जो है वो 5 करोड़ का है 10 साल में। 12% का रिटर्न अगर हम मान के चले तो उनको करीब 2,10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी अपने टारगेट को पूरा करने के लिए। इनकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो है 60,000 और जैसा इन्होंने कहा कि वो 20,000 से अपने SIP बढ़ा सकते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि कुल इन्वेस्टमेंट जो है वो 80,000 की होगी, फिर भी काफी बड़ा गैप है। जाहिर सी बात है, या तो उनको अपनी इन्वेस्टमेंट जितना जल्दी हो उसके बढ़ानी होगी या फिर अपने टारगेट को थोड़ा रीवर्क करके थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाना होगा ताकि वो वहां तक पहुंच पाए, क्योंकि गैप जो है वो काफी बड़ा है। अगर आप इनके पोर्टफोलियो को अभी एनालाइज करें तो इनके पास 2 स्मॉल कैप फंड है और उसके अंदर से टोटल इन्वेस्टमेंट है करीब 30,000 की इन्वेस्टमेंट है। इनकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो 60,000 है, मतलब ये 50% पैसा अभी स्मॉल कैप में डाल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो पोर्टफोलियो थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव है, उसकी जो एलोकेशन है स्मॉल कैप की वो कम करने की जरूरत है। यहाँ पे 2 फंड है इनके पास, टाटा स्मॉल कैप फंड, SBI स्मॉल कैप फंड। टाटा में 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, SBI स्मॉल कैप में 20,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने इससे पहले सवाल एक जवाब में भी कहा था कि SBI से बेहतर फंड है और टाटा से भी बेहतर फंड है। एक तो इनको जैसा मैंने कहा एलोकेशन कम करनी है, तो मेरा ये मानना है कि जैसे 2 फंड जो मैंने पहले कहा था, या तो क्वांट या तो फिर निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड, उनमें से 1 फंड रखें और उसमें 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करें ताकि जो एलोकेशन जो है वो सही लेवल का इनके पास आ जाए। अब इनके मिड कैप फंड को देखें तो वहां पे भी इनके पास 2 फंड है, एक क्वांट मिड कैप फंड है और एक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है। मुझे लगता है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप इज अ बेटर फंड। तो मुझे दोनों फंड की जगह 1 फंड रखें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और वहां पे अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 20,000 रुपए तक बढ़ा दें। निपॉन इंडिया लार्ज कैप मैंने पहले भी रिकमेंड किया, लार्ज कैप फंड भी बहुत अच्छा फंड है और जो पैसे स्मॉल कैप के बचते हैं वो उस फंड के अंदर ऐड करके 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 3 फंड रहेंगे इनके पास और तीनों में 20,000 की इन्वेस्टमेंट होगी। अब जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट इनको करनी है 20,000, तो मैं चाहूंगा कि तीनों सेगमेंट का एलोकेशन हो गया बट फिर भी जो जब आपको एडिशनल यहाँ पे करना है तो एक मल्टी कैप फंड लीजिए। वहां मल्टी कैप फंड में क्या होता है कि तीनों सेगमेंट में आपको एक्सपोजर मिलेगा लेकिन थोड़ा बायस जो है वो लार्ज कैप पे रहता है, तो वहां पे कोटक मल्टी कैप कंसिडर कर सकते हैं, उसके अंदर 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इनकी जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है उसको थोड़ा सा रीबैलेंस करें, इस तरीके से अपना पोर्टफोलियो बनाए। और जैसा मैंने पहले कहा कि काफी बड़ा गैप है, जितना अमाउंट उनको इन्वेस्ट करना जितना वो कर रहे हैं अभी, तो उसको पूरा करने के लिए उनको डेफिनेटली सोचना होगा कि अमाउंट बढ़ा सकते हैं या फिर अपने जो टारगेट है उसको थोड़ा रिवाइज करके रियलिस्टिक।
एस्पेक्ट बहुत जरूरी है. देखिए अपने पोर्टफोलियो और गोल अलाइनमेंट में थोड़ा सा रियलिस्टिक होना. जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि एक लंबी अवधि का टारगेट आपने सेट कर लिया है और एक राशि है आपके पास, इसका मतलब नहीं है कि अगर आप निवेश नहीं बढ़ाएंगे तो फिर आपके लक्ष्य पूरे नहीं हो सकते. सही तरह के फंड शामिल करें और अपने निवेश राशि को बढ़ाने की कोशिश करें. और यही सलाह आकाश के लिए भी है. बहरहाल हमें रुकना होगा फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए. ब्रेक के उस पार सवाल जवाब का ये सिलसिला जारी है. और बता दूं दर्शकों को कि हम यूट्यूब से जुड़े सवाल भी शो में शामिल करते हैं, तो अगर लाइव देखते आए हैं हमें शो पर तो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए. इतना ही नहीं, व्हाट्सएप का हमारा एक नंबर भी है जहां पर आपके सवाल लगातार हम तक आ रहे हैं. किस फंड में पैसे लगाए हैं, कितने की SIP कर रहे हैं, एकमुश्त निवेश करना है, कितने सालों के लिए करना है, कुछ अपने गोल्स की जानकारी भी हमें साथ में दे ताकि हम आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग शो पर कर सके. मिलती हूँ आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब. म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में क्या बदलाव आपको लाने चाहिए, कोई स्ट्रैटेजी को लेकर अगर दुविधा है, हम आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं व्हाट्सएप के जरिए भी, यूट्यूब के जरिए भी. मेरे साथ मेरे दोनों मेहमान बने हुए हैं, हेमंत उस्तिकी और विश्वजीत पराशर, जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं. और सर्वोत्तम शेट्टी साहब मेरे साथ इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ गए हैं. नमस्कार साहब, कैसे हैं? बस बढ़िया, धन्यवाद अपना सवाल हमें भेजने के लिए. मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच. मेरे पास जो जानकारी है मैं आपको बता देती हूँ. HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटी आपके पास है, HDFC का लार्ज एंड मिड कैप है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी है आपके पास, ICICI प्रू का ब्लू चिप है, निपॉन का मल्टी कैप है, राइट सर? हाँ जी, हाँ जी, राइट राइट सर. ठीक है, और आपने जो है अपनी डिटेल्स दे रखी है जहाँ पर आप कह रहे हैं 75 लाख आपको जुटाने हैं 12 साल में. ये 11,000 की आप SIP कब से कर रहे हैं, सिंस व्हाट ईयर? ये अभी मैं एक्चुअली नया चालू किया 1 जनवरी से 2024. पहले का था मेरा ऐसे SBI और मैं आपसे पहले बात कर चुका हूँ, पहले SBI और UTI का था मेरा. 2 साल के बाद मैंने उसको रिडीम कर दिया, उतना परफॉर्म नहीं कर रहा था वो. परफॉर्म रिडीम करके मैंने ये नया चालू किया अभी 2024 में जनवरी में, फर्स्ट जनवरी फर्स्ट से. और फिर लमसम भी चल रहा है, लमसम 4,30,000 का लमसम चल रहा है मेरा. वो आपको मैंने पहले बताया था, वो HDFC वो पोर्टफोलियो ठीक था ना, उसमें कुछ निकलने की सलाह नहीं दी थी ना, वो लमसम का पोर्टफोलियो ठीक था, वो चेक कराया था ना. हाँ, लमसम को ठीक था, लमसम को ठीक था. ठीक, ओके. लमसम में वो टाटा मल्टी अपॉर्चुनिटी फंड था, हाँ, और HDFC लार्ज मिड कैप फंड, निपॉन मल्टी कैप फंड और एक 3-4 था HDFC मल्टी कैप. ठीक, अगर आपको ओके. चलिए अभी जो आपका पोर्टफोलियो है ना उस पर हमारे एक्सपर्ट से सलाह ले लेते हैं. विश्वजीत जी, आपके पास सवाल है मेरे ख्याल से शेट्टी साहब का. सर्वोत्तम जी, सबसे पहले तो आपने एक गोल रखा है 75 लाख का, अगर हम 12 साल में अचीव करना चाहते हैं और 12% का ही CAGR लेके चले तो करीब करीब 24,000 की SIP आपको करनी होगी. अगर आपके पास पहला भी कोई कॉर्पस पड़ा हुआ है तो मैंने वो उसमें इंक्लूड नहीं कर पाया हूँ क्योंकि मुझे उसकी जानकारी नहीं थी, बट अगर फ्लैट लेके चले तो करीब करीब 24,000 की SIP 75 लाख के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी. इसके अलावा आपके पोर्टफोलियो काफी अच्छा है, काफी अच्छे फंड्स हैं. उस पोर्टफोलियो में देखें तो 2 मिड कैप फंड हैं और दोनों ही बहुत अच्छे फंड्स हैं, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज और कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड. तो मेरी यही सलाह रहेगी कि आप एक मिड कैप फंड से स्विच कर दें और उसको स्विच करके आप एक फ्लेक्सी कैप फंड ले लें. पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ले सकते हैं, जिसमें कि आपको एक अक्रॉस कैटेगरीज भी डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा और 2 मिड कैप में जो ओवरलैप है वो भी कम हो जाएगा. तो इसके ऐसा करके आपका एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाएगा. ये सिर्फ आप कंटिन्यू रखें 12 वर्ष के लिए और अगर कोशिश करें तो बढ़ाएं भी, क्योंकि गोल का भी अभी छोटा है, आप चाहें तो इसको और बड़ा भी कर सकते हैं. बट आपने काफी अच्छे फंड्स का चुनाव किया हुआ है तो बाकी फंड्स में आप निवेशित रहें और जो आपका कॉर्पस है अगर 1 साल हो जाए तो उसको एग्जिट करें, अदरवाइज अगर आप अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें निवेशित. आप कोई सवाल पूछना है आपको विश्वजीत जी से? मेरा लमसम भी चल रहा है 4,30,000 का, तो वो हिसाब से मुझे 24,000 ऐसे भी करना पड़ेगा क्या, उससे कम करना पड़ेगा, मतलब स्टेप अप करूंगा मैं सालों. मेरे ख्याल से ये आपके SIP के पोर्टफोलियो को लेकर ही सलाह दे रहे हैं, आई डोंट थिंक उन्होंने आपके लमसम पोर्टफोलियो को काउंटिंग किया है, राइट विश्वजीत जी? जी बिल्कुल कविता जी, मुझे जानकारी नहीं थी तो मैं उस पर इंक्लूड नहीं करता. हाँ बिल्कुल, तो वो सेपरेट है शेट्टी साहब, आपका लमसम का अलग है और ये SIP का अलग है, यही केवल आपको बढ़ाना है. कोई और सवाल? अच्छा,
नहीं, मुझे 1 लाख और इन्वेस्ट करना है, लमसम में डालना है, तो कौन सा अच्छा रहेगा? 1 लाख और डालने हैं। ओके, लमसम में तो मेरे हिसाब से आपने आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में ऑलरेडी निवेश किया हुआ है और ऐसा लगता है कि लार्ज कैप में अच्छे रिटर्न्स बनेंगे और आने वाला टाइम लार्ज कैप के फेवरेबल है, तो आप लार्ज कैप में ही 1 लाख रुपए निवेश करें आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। और राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यूट्यूब के जरिए लेंगे युधिष्ठर दास का। हेमंत जी, आपके पास होगा ये सवाल। ये कह रहे हैं कि इन्होंने लगभग 20 साल में 2.5 करोड़ रुपए जुटाने हैं, ये इन्होंने टारगेट रखा है अपने लिए, और 9 फंड है इनके पोर्टफोलियो में, कुल 8 फंड है जिसमें ये 18,400 रुपए की SIP कर रहे हैं, और HDFC का बैलेंस एडवांटेज फंड है, HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटी, ABSL PSU इक्विटी फंड है, ICICI प्रू का वैल्यू रिकवरी है इनके पास, निपोन इंडिया का स्मॉल कैप है, टाटा स्मॉल कैप है, पराग पारे का फ्लेक्सी कैप है, मोतीलाल ओसवाल मिड एंड लार्ज कैप है, इनके पास DSP का निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड भी है, बहुत सारे फंड इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में जोड़कर रखे हुए हैं 18,000 की SIP के लिए। मेरे पास फोन लाइन पर है नहीं, लेकिन इन 8 फंड्स की सलाह किसने दी थी इनको जरूर जानना चाहती मैं। हालांकि हेमंत जी बताइए, जानकारी जो हमारे पास है उसके मुताबिक क्या करना चाहिए इनको? देखिए, अगर पहले इनकी टारगेट की बात करें, इन्होंने कहा कि जितना इनके पास समय है, करीब करीब 2.5 करोड़ का उनको शायद टारगेट पूरा करना है अपने यहाँ पे, तो वहां तक पहुंचने के लिए उनको करीब 25,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी 7 महीने की। तो डेफिनेटली अभी जो इन्वेस्टमेंट है और जितनी इनको करने की जरूरत है वहां पर थोड़ा गैप है। दूसरी बात, जिनके पास जो फंड है, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, 9 फंड है, मैं कहूंगा कि ब्रॉडली जो उन्होंने फंड सिलेक्शन किए वो अच्छी है, बट कुछ कैटेगरीज हैं जैसे PSU फंड है या फिर वैल्यू फंड है, ऑब्वियसली उनकी जगह हो सकती है पोर्टफोलियो, बट डिपेंडिंग कि आपका कोर पोर्टफोलियो कैसा है। यहाँ पे मुझे लगता है कि इन्हीं फंड में से इनके पास अच्छे फंड है, 5 फंड अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, और ये एलोकेशन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को 25,000 तक बढ़ाएंगे ताकि अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए। तो अपने जो इनके एग्जिस्टिंग फंड्स हैं वहां से अगर हम इनके फंड्स को देखें तो HDFC मिड कैप फंड, निपोन इंडिया स्मॉल कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, चारों एक्टिवली मैनेजमेंट काफी अच्छे हैं, और DSP निफ्टी 50 इक्वल वेट फंड। मुझे लगता है ये एक इंडेक्स फंड है जहां पे जैसे इक्वल वेट है तो ऑब्वियसली सारे 50 स्टॉक्स रहेंगे, लेकिन जो वेटेज है वो इक्वल रहेगा राधर देन जो एक्चुअल वेटेज है इंडेक्स के अंदर। तो मुझे लगता है ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है किसी भी इन्वेस्टर के लिए जो इंडेक्स फंड को देखना चाहे। तो मुझे लगता है ये 5 फंड अपने पोर्टफोलियो में रखिए, जिस तरह का एलोकेशन आपको डिफरेंट सेगमेंट में मिलना चाहिए वो आपको मिलेगा, और जैसा मैंने कहा ये एलोकेशन मैंने कहा है कि 5 फंड के अंदर 5,000 रुपए अगर इन्वेस्ट करें 25,000 की इन्वेस्टमेंट, और अगर अपना ये प्रोसेस पूरे टाइम होराइज़न तक कंटिन्यू करते हैं तो डेफिनेटली अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक हम हमारे दर्शक जो फोन लाइन पे जुड़ना चाह रहे हैं उनको कोशिश कर रहे हैं जोड़ने की। तब तक हेमंत जी के लिए एक सवाल अशोक मांझी साहब का। एक्सिस ब्लू चिप में इन्होंने 5,000 की SIP शुरू कर रखी है और फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, और इसी में से SIP बंद करके इनको दूसरे फंड में जाना है। हेमंत जी। हाँ जी, बिल्कुल सही है। आई थिंक ये फंड ने काफी समय से परफॉर्म नहीं किया है, तो जैसे हमने एक फंड की और भी बात की, निपोन इंडिया लास्ट है, वो बेहतर फंड हो सकता है। दूसरा फंड अगर इनको इसी कैटेगरी में देखना तो ICICI ब्लू चिप फंड अगेन बहुत ही पुराना फंड है, काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड है। उन दोनों में से एक फंड एक एक्सिस ब्लू चिप की जगह पे देख सकते हैं, और एक इंडेक्स फंड जो इनको शामिल करना है, जैसे मैंने कहा कि मुझे लगता है इक्वल वेट जो इंडेक्स है वो स्पेशली अगर आप HDFC का HDFC 100 इक्वल वेट लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पूरे के पूरे 100 स्टॉक्स में आपको एक्सपोजर मिलेगा द सेम वेटेज। मुझे लगता है वो एक अच्छा एडिशन आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है। कुमार साहब फोन लाइन पर जुड़ गए हैं विश्वजीत जी से सवाल पूछने के लिए। नमस्कार मनोज जी। नमस्कार मैडम। सर, आपने पराग पारे का फ्लेक्सी कैप लिया हुआ है, SBI का लॉन्ग टर्म इक्विटी है, SBI का कॉन्ट्रा है, निपोन इंडिया स्मॉल कैप है, क्वांट का स्मॉल कैप है, इनमें आप SIP कर रहे हैं लगभग 10,500 की हर महीना SIP कर रहे हैं, राइट? हाँ जी, 2,000 रुपए पर मंथ कर रहे हैं जी। जी, सब कब तक करना चाहते हैं? 10 साल का प्लान रहे। अच्छा, बताइए कितना कॉल पर इकट्ठा करना है? मैडम हो जाए 10 लाख की जरिए। 10 लाख? नहीं, 10 लाख। 40 40 हाँ जी, 40 लाख
और एक एक एसबीएफसी का जो मिड और लार्ज कैप है ना मैडम, किया हुआ है उसने भी किया हुआ है हाँ अभी किया है जी वो। कितने की एसआईपी है? 3000 की है जी वो। अच्छा चलिए, ये आपने एक और ऐड कर दिया, बढ़िया। ठीक है, बताते हैं क्या करना चाहिए। विश्वजीत जी, एक और एडिशन है एचडीएफसी मिड एंड लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप। ये बिल्कुल एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप एक अच्छा फंड है और इस समय अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है, तो और ये सही समय भी है कि आप लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में निवेशित रहे, क्योंकि लार्ज कैप और मिड कैप में इसको बहुत ज्यादा फ्रीडम मिल जाता है। 100 फंड लार्ज कैप के और मिड कैप के भी 150 फंड, पर फंड मैनेजर के पास अच्छा फ्रीडम होता है कि वो अपने बेस्ट स्टॉक्स चूज कर सकता है, तो उसमें बिल्कुल निवेशित रहें। बाकी जो आपका पोर्टफोलियो है मनोज कुमार जी, उसमें दो स्मॉल कैप है, निपॉन गेम स्मॉल कैप और फंड स्मॉल कैप, दोनों ही अच्छे हैं। बट मेरा मानना है कि अभी आप एक ही स्मॉल कैप में रहें और एक स्मॉल कैप से आप स्विच करके आप किसी और कैटेगरी में निवेश करें, जैसे कि एचडीएफसी लार्ज मिड कैप जिसमें आप कर रहे हैं, इसमें ऐड भी कर सकते हैं आप इसी फंड में, क्योंकि आपका बाकी पोर्टफोलियो काफी अच्छा है, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप भी है और इसके अलावा एसबीआई कॉन्ट्रा भी आपने ले रखा है। तो इसके मेरी सजेशन ये है मनोज जी कि अगर आप 10 साल के लिए निवेश करते हैं ये 10,500, तो आपका 52 लाख रुपए बन जाता है, तो आप जो लक्ष्य सोच रहे थे उससे ज्यादा ही बनेगा, और अगर 15 साल के लिए निवेश करते हैं तो करीब करीब 1 करोड़ रुपया बन जाएगा। तो आप निवेशित रहें, जितना हो सकता है अपनी एसआईपी बढ़ाते रहें, काफी अच्छा पोर्टफोलियो है और एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप अच्छा फंड है, इसमें बने रहें। ये तो इसमें आपको रुके रहने की सलाह दी जा रही है। कोई और सवाल पूछना चाहते हैं मनोज कुमार जी? नहीं मैडम, धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हेमंत जी के लिए संजय कुमार का मैं लूंगी, और इन्होंने भी व्हाट्सएप के जरिए सवाल, माफ कीजिएगा, यूट्यूब पर सवाल भेजे हैं। और हर महीने 3000 की एसआईपी कर रहे हैं, 18 से 20 साल में इनको चाहिए 1 करोड़ रुपए, और एसआईपी की रकम क्या ये बढ़ा सकते हैं, ये भी इनका सवाल है। पोर्टफोलियो में है पराग पारे का फ्लेक्सी कैप और निपॉन इंडिया मल्टी कैप है, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स है, एक्सिस का स्मॉल कैप है और कोटक इमर्जिंग इक्विटी भी इनके पोर्टफोलियो में, ये तमाम फंड्स हैं और निवेश को ये बढ़ाना भी चाहते हैं, और 1 करोड़ 18 से 20 साल में काफी लंबा समय है, और निवेश बढ़ाने से बात बन जाएगी हेमंत जी? देखिए बेटा, मैंने कहा कि समय इनके पास 18 से 20 साल है, अगर मैं 20 साल भी मान के चलता हूँ और अगर 12% का रिटर्न हम माने तो उनके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इनको 10,000 रुपए की एसआईपी करनी होगी। अभी जो इनकी करंट इन्वेस्टमेंट है एसआईपी की वो 3,000 है, तो काफी बड़ा गैप है। जैसे मैंने पहले भी कहा था शो में, मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है कि जब आप इन्वेस्टमेंट शुरू करें तो ये देख लें कि आपका टारगेट कितना है, आप एक अज्यूम रेट ऑफ रिटर्न पे डिसाइड करें कितना पैसा इन्वेस्ट करना, उससे कहीं ना कहीं आपको डायरेक्शन मिलती है कि अगर आपको लक्ष्य तक पहुंचना है तो कितना पैसा इन्वेस्ट करें। जैसे अभी हम उनको बता रहे हैं कि 7,000 रुपीज का डेफिसिट है वहां पे, इनको जितना जल्दी हो सके, फॉर्चुनेटली इनके पास समय है, तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो ये एक साथ बढ़ा दें या फिर हर साल भी अगर थोड़ा थोड़ा पैसा बढ़ाएंगे तब भी अपने लक्ष्य तक को पहुंच पाएंगे, तो उसके ऊपर उनको डेफिनेटली काम करने की जरूरत है। 3,000 के लिए 5 फंड्स हैं, मुझे लगता है थोड़े फंड ज्यादा है, कंसोलिडेट करें। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप अच्छे फंड सिलेक्शन करेंगे तो उसमें भी आपको लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा मिलेगा, बजाय इसके कि आप बहुत सारे फंड रखें, तो सही कैटेगरी के फंड हो, वो विद इन कैटेगरी आपके फंड अगर अच्छे हों, तो इनके जो एग्जिस्टिंग फंड है वहीं से हम देखते हैं। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप पर वहां पे 1,000 रुपए इन्वेस्ट करें, उसको कंटिन्यू करें। निपॉन इंडिया मल्टी कैप अगेन बहुत ही अच्छा फंड है मल्टी कैप कैटेगरी में, उसमें 1,000 रुपए इन्वेस्ट करें, और कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड जो मिड कैप फंड है उसमें 1,000 रुपए इन्वेस्ट करें। इस तरीके से ये 3,000 रुपए इन्वेस्ट करें तो दो फंड कम होंगे, और दूसरा जैसा मैंने इनको कहा कि अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की जरूरत है, जितना जल्दी हो सके वो बढ़ाएं, और दो तरीके हैं उसके, या तो एक साथ बढ़ाएं या फिर हर साल धीरे धीरे थोड़ा पैसा करके बढ़ाएं तो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। और राइट, चलिए तो ये सलाह, झटपट आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। और अगला सवाल एक यूट्यूब का आया है, और हेमंत जी एक्सिस थ्रू निफ्टी 50 इनके पास है योगेंद्र साहब का, और एक्सिस का मिड कैप है, दो फंड है, 3,000 रुपए की एसआईपी, 50 लाख 10 साल में। आई थिंक अगेन यहाँ पे जो इनकी रिक्वायरमेंट रहेगी वो 20,000 की, देखिए काफी बड़ा गैप है इनके पास भी, बट अगर उनके पोर्टफोलियो को देखें तो जो इंडेक्स फंड है एक्सिस थ्रू निफ्टी 50 उसमें बने रहे। मिड कैप में मुझे लगता है एक्सिस मिड कैप से निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड जो है वो बेहतर फंड रह सकता है, तो एक वो बदलाव हो सकते हैं। और इन्होंने कहा कि स्मॉल कैप में इनको एक फंड अगर ऐड करना है, तो हमने दो फंड की पहले बात की थी यहाँ पे, क्योंकि हम निपॉन इंडिया ग्रोथ ले रहे हैं, हमका मिड कैप फंड, अगर वो चाहें तो
क्वांट स्मॉल कैप फंड में डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए तो ये फंड जो आपको पोर्टफोलियो में शामिल करने की सलाह दी जा रही है, और इसी के साथ मेरे ख्याल से समय भी हमारा समाप्त हो गया है। हेमंत जी आपका, विश्वजीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। मुझे भी इजाजत दे, लेकिन जाते जाते मैं आप सभी को छोड़ जा रही हूँ हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ और हमारे यूट्यूब पर जो हम लाइव होते हैं। बहुत दर्शकों ने आज सवाल भेजे हैं, आज उनके सवाल मैं शामिल नहीं कर पाई हूँ, लेकिन ये सवाल हम कल शो में शामिल करेंगे जहाँ हमारे एक्सपर्ट्स आपको लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग करवाएंगे। आपके सवाल हमने नोट डाउन कर लिए हैं, जो भी यूट्यूब पर सवाल भेज रहे हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं, यूट्यूब पर सवाल भेज सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे शो पर भी आकर बैठना चाहते हैं, और आप चाहते हैं हम आपके शहर में आकर ये शो करें, आपके घर आके आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करें, तो इसकी भी आप अर्जी जो है हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या यूट्यूब पर भेज सकते हैं। मिलती हूँ आपसे कल एक नए शो के साथ। नमस्कार।